हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी को, जैसे कि पॉइंट्स, एंगल्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस को कवर करेंगे। इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का डाउट आता है तो हमारा ऐप स्नैप सॉल्व को डाउनलोड कीजिए और अपनी डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली फ्री पाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, बेसिकली हमें आज जो पढ़ना है वो लाइंस एंड एंगल्स को ही तो पढ़ना है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनके बारे में जान लेना जरूरी होता है सो दैट हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पॉइंट। गाइज, ये पॉइंट क्या होता है? अगर मैं बात करूँ जियोमेट्री का, है ना, जियोमेट्री स्टार्ट ही कहाँ से होती है? वो पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रख दिया एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपको विजिबल हो, है ना, क्लियरली विजिबल हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। गाइज, पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना तो विड्थ होती है और ना ही हाइट होती है। ठीक है, ना तो लेंथ, ना तो विड्थ और ना ही हाइट होती है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी क्या है, लेंथ है और विड्थ भी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये 2D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, इसमें दो दो चीज़ें हैं, इसलिए 2D फिगर बोलेंगे। ये आपका एक लाइन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो ये 1D फिगर है, यानी कि 1D, ये 2D, 2D। अगर मैं बात करूं यहां पर, एक मैंने क्यूब बना दिया, इसमें ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है और ये क्या है, हाइट है। मतलब इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। इट मीन्स इज दैट इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इसका मतलब इसमें तीनों की तीनों चीजें हैं, तो ये कैसा फिगर है, 3D फिगर है। गाइस, ना तो इसमें लेंथ है, ना तो इसमें विड्थ है, ना तो इसमें हाइट है, तो हम पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट को बोलेंगे नॉन डाइमेंशनल, नॉन डाइमेंशनल, ठीक है, ऐसा फिगर जो कि नॉन डाइमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट, अब हमें जो यहाँ पर डिस्कस करना है वो दैट इज लाइन। गाइज, ये लाइन क्या होता है, बात करते हैं लाइन। मैंने अभी जस्ट ड्रॉ भी की थी, तो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अगर इसको देखा जाए तो इनिशियली ये देखो छोटे 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 कई सारे पॉइंट्स मिल करके ही तो एक लाइन को फॉर्म करते हैं। कई सारे छोटे 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 पॉइंट्स जो है मिल करके ही तो एक लाइंस को फॉर्म करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर मैं इनको मिला दूँ तो एक लाइन फॉर्म होती है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, इसमें विड्थ नहीं है, इसमें हाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन वो होता है मतलब कि सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जिसके पास हैविंग या फिर वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ, ठीक है, हाँ ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। तो लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइन क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही होती है, साथ ही वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है, छोटे छोटे कई पॉइंट्स से मिल करके हमारी लाइन फॉर्म होती है। एक चीज और बता दूं, ये जो लाइन होती है गाइस, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड और डिमिनिश्ड इन एनी डायरेक्शन। देखिए, एक लाइन है, लाइन को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इधर एक्सटेंड कर दें या फिर इधर एक्सटेंड कर दें। इसको डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटा भी करना, इसको हम लोग डिमिनिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं और लाइन को हम लोग डिमिनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे गाइस लाइन सेगमेंट। गाइस, यहां पे जो सेगमेंट लिखा है, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या फिर टुकड़ा बोल सकते हैं, टुकड़ा, ठीक है। तो एक लाइन है, अगर मैंने इसमें से इतना और इतना कट कर लिया तो मेरे को मिलेगा ये वाली लाइन, समझ रहे हो। नाउ आप लोग देख सकते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच कैन नीदर एक्सटेंडेड और
नॉर कैन बी यू नो डिमिनिश्ड, ना तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ठीक है, तो लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है, क्या होती है, फिक्स लेंथ, ना तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसकी फिक्स लेंथ होती है, जिसको हम ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं रे क्या होती है, ठीक है ना। रे गाइस, रे क्या होता है, अगर आपको रे देख करके तो आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक करना चाहिए, सन, सन रेज, याद है, सुबह सुबह, है ना, ठीक है। तो सन रेज, समझ में आया कुछ, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा रेज क्या होती हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, यानी कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसके एक सोर्स होता है, ठीक है ना, ये सोर्स है, या फिर इसका बोल सकते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, या फिर एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है या डिमिनिश किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंगल्स के बारे में। गाइस एंगल्स क्या होते हैं, देखिए टू रेज एक एंगल को फॉर्म करती हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास एक रे यहाँ पे ये है जिसका नाम है OA, और दूसरा रे यहीं से जाता है जिसका नाम है OB, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेज हैं, रे OA और रे OB, बिकॉज इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो रेज हैं OA एंड OB। रेज क्या करती हैं, एक एंगल को फॉर्म करती हैं, टू रेज फॉर्म्स एन एंगल, ठीक है ना। तो एक एंगल को फॉर्म करती हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। देख लीजिए कॉमन पॉइंट क्या है, इनका O है, O इसको बिलोंग करता है किसको, तो O दोनों को बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो टू रेज फॉर्म्स एन एंगल हैविंग अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये होता है एंगल। अब हम बात करते हैं कि इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एंगल। गाइस इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, ये रे है, इस रे के बीच में, इन दोनों रे के बीच में, ये दोनों रे हैं, इन दोनों के रे के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों रे के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका ग्रुप या उनका सेट है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई बिटवीन टू रेज, ठीक है, हाँ, और ऐसे पॉइंट्स जो कि इस रे पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं, वो पॉइंट्स ऑन द एंगल हैं, क्या है, ऑन द एंगल। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मैंने पूछा ये पॉइंट कहाँ पे है, तो यू विल से कि ये वाला जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के इंटीरियर ऑफ द एंगल है, यानी कि एंगल के अंदर है, ठीक है ना। अच्छा, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये वाला पॉइंट एंगल पर लाई करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है कि मान के चलो एक ये प्लेन था, इस प्लेन में, ठीक है, मान के चलो ये एक प्लेन था, इस प्लेन में ये एंगल है, तो ठीक है, तो इसके बाहर भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, इस प्लेन में बाहर भी तो कई सारे पॉइंट्स हैं, हाँ, इधर भी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का ग्रुप या सेट जो कि ना तो एंगल पर है और ना ही इंटीरियर ऑफ द एंगल पर है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना, विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल एंड इंटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। जो
इंटीरियर ऑफ द एंगल और ऑन द एंगल नहीं है, वो सारे पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ द एंगल पर होंगे, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल। ये मेजर ऑफ एंगल क्या होता है, देखिए गाइस यहां पर एक रे है जिसका नाम है OA, इसकी इनिशियल पोजीशन OA थी, क्या थी OA, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये OA ये रे टर्न कर रहा है और ये टर्न कर करके अब इसकी जो पोजीशन है वो ये है OB, अब इसकी जो पोजीशन है वो है OB। तो देख रहे हैं पहले था OA पर लेकिन अब इसकी पोजीशन कहाँ पे हो गई, OB पर। तो जितना ये टर्न किया, जितना अमाउंट ये टर्न किया उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो मान के चलो कि ये 30 टर्न किया तो इसको हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री, ये इस एंगल का मेजर होगा। इस एंगल का मेजर कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये कितना टर्न किया है 30, ठीक है ना। अच्छा ये डिग्री हम लोग इसको मेजर करते हैं तो डिग्री इसमें हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, इसका यूनिट है मान के चलो, ठीक है ना। तो हम हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को मेजर करने के एक यूनिट होती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप शॉप्स पे जाओगे तो आपको कपड़ा लेना होगा तो ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे को 2 किलो कपड़ा दे दो, है ना। या फिर आप कुछ भी सामान लेने जाओगे तो उसका हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, ठीक है ना। तो गाइस ये था मेज़र ऑफ एंगल। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एंगल, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल, डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर फ्यूचर अपडेशन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।